अच्छा चलो, आज की क्लास से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो। नमस्ते मुकुल। मुकुल सब ठीक ठाक बेटा? आज की क्लास से पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करना। गुड इवनिंग सरस्वती। सो दिस इज द क्वेश्चन। डिजिटल क्लास में मैंने ये आपको दिया था, आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज कैसे करते हैं। आपको मैंने जो डिजिटल क्लास सेंड की थी सैटरडे को, उसमें सिखाया था। मेथड ऊपर है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। गुड इवनिंग शुभम। तो आप उस डिजिटल क्लास के बेसिस पे या अपने इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, क्योंकि ये मैंने कहा है आपको, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, न्यूमेरिकल एक नहीं है लेकिन इंटरकनेक्टेड है। पूरा का पूरा टॉपिक इंटरकनेक्टेड है, तो जरूरी है कि आपको इनमें चीजें, पिछली चीजें याद रहें। आयनाइजेशन एनर्जी में जनरली दो ही पॉइंट देखते हैं, पहले साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने अड़ोसी पड़ोसी से यानी नेबर से ज्यादा होती है। डिजिटल क्लास में आपको ये बताया गया था, तो इसको ध्यान से। सोनाक्षी, नाइट्रोजन तो मैंने दिया ही नहीं बेटा, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन तो है ही नहीं इसमें। तो ध्यान से मनस्वी का जवाब। ओके ठीक जवाब है। सोनाक्षी आपका जवाब थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, थोड़ा ध्यान से करो उसको। प्रांजल थोड़ा सा गड़बड़ है, पूरी चीजें ठीक नहीं है, जरा सा गड़बड़ है। मधुर का जवाब बिल्कुल ठीक है, कौशल का बिल्कुल ठीक है, दोनों का जवाब करेक्ट है। पहले एटॉमिक साइज में अरेंज कर दो और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए आप जवाब दोगे। मनस्वी का दूसरा जवाब भी ठीक है, दिशा का पहला जवाब ठीक है। दो क्वेश्चन हैं, अब स्पीड बढ़ाने का समय आ गया है। आपकी, मेरी नहीं, आपकी, मैं तो नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ूंगा। आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्पीड बढ़ाने का समय आ चुका है। 7 चैप्टर हम कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पीड आपकी बेटर होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन। रचित का जवाब सही है, दिशा का सही है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें एटॉमिक साइज में अरेंज करेंगे, और ऊपर मेंशन है कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, और आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ये जवाब आ जाएगा, बनेगा। हार्दिक आपका दोनों जवाब बिल्कुल सही है, कौशल दूसरे पे गड़बड़ है, मधुर का दूसरा जवाब बिल्कुल ठीक है। बड़े आराम से पहले इनको आपने साइज में अरेंज करना है, और साइज में अरेंज हो जाने के बाद फिर कोई समस्या नहीं आएगी, फिर आप जवाब दे सकते हो। एटॉमिक साइज के बेसिस पे ही यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं है, बस एटॉमिक साइज ही आपको आना चाहिए, ध्यान रखो। तो ये है आपका सेकेंड ऑर्डर। एक्स सबसे ज्यादा, नमन चेक करो, प्रांजल आप भी चेक करो, गीतिका देखो। कौशल का जवाब अब ठीक है, आदि के भी जवाब ठीक है। एक्स सी बी ए, ये ऑर्डर यहाँ पर बनता है। तो ये इस तरह से आपका जवाब यहाँ पर होना चाहिए, बनना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह से यहाँ पर आपको बताई गई, ये आपको पता रहे। तो ये हमारा एक जस्ट रिवीजन था। रिवीजन भी इसीलिए क्योंकि आज का टॉपिक भी इससे कनेक्टेड है। आज के लिए हेडिंग डाल दो, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे पहले करा रहा हूं। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन,
टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस वक्त जो हीट चेंज होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। तो इस तरह से ये दो डेफिनेशन चाहे नोट करो चाहे स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ब्लैक स्क्रीन पे चल के आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। डेफिनेशन आप पहले लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, ये इलेक्ट्रॉन है और आप इसको कितनी आसानी से गेन करते हैं, क्या आप इसको बहुत जल्दी गेन करते हैं या मुश्किल से गेन करते हैं। अगर आप बहुत जल्दी गेन करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, और अगर गेन नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड होता है उस वक्त जो हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब शब्द भी यहां पर लिख लेना। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस वक्त जो हीट बाहर निकलती है या एब्जॉर्ब होती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। एक और चीज यहां पर ऐड करो, सामने से लिख लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये फार्मूला है जो सामने दिया गया है, इसको लिख लो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT, जहां R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी जाती है तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ी आसानी से बता सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव में इसका बोर्ड से कुछ का लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ JEE और नीट एग्जाम में ये चीज आपके काम आने वाली है और इसका कुछ लेना देना नहीं। अब चलो ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर इस कंसेप्ट को समझते हैं कि कैसे कैसे पी ब्लॉक के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हेडिंग डाल दो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अरेंज करना आए तो अभी यही मेथड अडॉप्ट करोगे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख देता हूं डेल्टा HEG, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना आए तो भी आप यही मेथड लिखोगे। इस बात को अच्छे से समझ लो। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। क्यों? अब खुद देखो, एक छोटा एटम है और एक आपके पास बड़ा एटम है। बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। वहीं छोटे एटम में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बड़े एटम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ दूरी होती है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और छोटे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो इतना डिटेल में तो खैर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा पॉइंट याद रख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। पिछले 3 लेक्चर से, 1 डिजिटल और 2 लाइव क्लास, आप बार बार सीख रहे हो कि एटॉमिक साइज में किस तरह से अरेंज किया जाता है। पहले नंबर ऑफ शेल देखते हैं, अगर नंबर ऑफ शेल बराबर है तो एटॉमिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इस तरह से जरा इस क्वेश्चन को बताना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इन्हें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज कैसे करें। चलो मैं प्रोसीजर सिखाता हूँ, इस वाले में मैं सिखा देता हूँ, और जो सॉल्व करना चाहता है बेशक से कर लो, वरना मैं प्रोसीजर सिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले एटॉमिक साइज में अरेंज करेंगे,
और उसके लिए बेशक से इनकी शैले लिख लो, 2426 27। ठीक है, कौशल और मधुर सही जवाब दे रहे हैं, साक्षी का भी। तो आपने शैल लिखा, शैल में देखा नंबर ऑफ शैल बराबर हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये हमारे पास साइज आ गया। और फिर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो हमारा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे फ्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन, इस तरह से हमारा ऑर्डर बनेगा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करें, उस ऑर्डर से बिल्कुल ना हटें, आपके जवाब गलत होंगे ही नहीं, चाहे बोर्ड में आए चाहे कॉम्पिटिटिव में। तो पहले आपको हमेशा एटॉमिक साइज के बेसिस पे अरेंज करना है, और एटॉमिक साइज के बेसिस पे आपको ये ऑर्डर बताना है, ये ध्यान रखना। अभी रुको, अभी आपका नंबर नहीं, अभी मैं एक पॉइंट और बता दूं। दूसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ऐसे ही मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाले लेक्चर में भी पॉइंट बताए, ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब यहां पर लिख लो कि स्टेबल कॉन्फिगरेशन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पजेस लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपके पास 50 एटम हो, 10 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिस जिसका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, सबसे कम। आयनाइजेशन एनर्जी में तो मैंने फिर भी नेबर्स का जिक्र किया था, यहां पर मैं सीधी सी बात बता रहा हूं कि भाई जिसका भी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होगा वो सबसे कम। अब स्टेबल कॉन्फिग्रेशन कौन कौन से बच्चों? सबसे कम ऑक्टेट होगा, फिर आपका कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होगा, और फिर आपका हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन होगा। यानी आप जो कुछ भी अरेंज करोगे उसमें स्टेबल कॉन्फिग्रेशन चेक करोगे, अगर कोई ऑक्टेट है सबसे लोएस्ट, फुली फिल्ड उसके बाद, फिर हाफ फिल्ड, और बाकी जो बच गए वो उसके बाद आएंगे। और इस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा। गौर से समझना जो मैं पॉइंट करवा रहा हूं, मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा, आप चाहो तो सारे स्टेप्स फॉलो करो, और अगर तुरंत समझ जाते हो तो डायरेक्ट करो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन समझना बड़े ध्यान से पहले, उसके बाद जवाब देना। लेट कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन, 6 7 8 9 10, ये इनका एटॉमिक नंबर। अब इनको हमें अरेंज करना है, तो मेरी बताई गई बात ध्यान से, पहले लिखा इनका कॉन्फिग्रेशन, और इनके कॉन्फिग्रेशन से साफ मालूम पड़ रहा है कि नंबर ऑफ शेल बराबर है, नंबर ऑफ शेल बराबर है। अब एटॉमिक साइज का ऑर्डर, अब ये देखो यहां पर जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखेंगे वो एक्चुअल हो या ना हो हमारी ट्रिक में आएगा, आपने उसको ट्रिक में शामिल करना है, क्योंकि ये जो भी मेथड है ये हम रफ में करते हैं, एग्जाम में फाइनल ऑर्डर देते हैं, तो ट्रिक में करना। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। देखो एक्चुअल में नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ एक्चुअल बात नहीं कर रहे, हम एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बीच बीच में एक्सेप्शन यहाँ अड़ाने लगा तो आपके कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे, आप एक्सेप्शन ना अड़ाएं, इस तरह की ट्रिक्स में एक्सेप्शन ना माने, उसको साइड में रख दें, कोई समस्या नहीं है, जवाब आपके सही आएंगे। तो आप इसको इसी कंसेप्ट में कि एटॉमिक नंबर कम होगा तो साइज बड़ा होगा, अब देखो पहला पॉइंट अप्लाई करना। अब क्योंकि दो पॉइंट आ चुके हैं, एक एटॉमिक साइज का, एक कॉन्फिग्रेशन का, तो पहले पॉइंट के बेसिस पे मैं लिखूंगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि सही रिजल्ट तो दोनों पॉइंट अप्लाई करके आएगा,
अभी मैं पहला पॉइंट अप्लाई कर रहा हूं जो ये कहता है जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमारा जो जवाब बनेगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये बनेगा, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल ऑर्डर हमारा सेकंड पॉइंट को फॉलो करके बनेगा, और सेकंड पॉइंट को अच्छे से ध्यान रख लेना कि जो स्टेबल है वो सबसे लोएस्ट है, और अगर दो स्टेबल हैं तो ऑक्टेव सबसे लोएस्ट, फिर फिल्ड और फिर हाफ। तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जवाब आएगा। अब हर एक का कॉन्फिगरेशन चेक करोगे 1s2 2s2 2p2, ये हमारा स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं है। 1s2 2s2 2p3, आप सभी अच्छे से जानते हो कि 2p3 एक हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है, स्टेबल होता है। ऑक्सीजन में स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं है, फ्लोरीन में स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं है, लेकिन नियॉन के अंदर क्योंकि नोबल गैस है यहां पर स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो मैं इनको मार्क कर देता हूं कि नाइट्रोजन है हाफ फिल्ड, और नियॉन को ऑक्टेट भी कह सकते हो, फुली फिल्ड भी कह सकते हो, बात बन जाएगी, बात दोनों तरह से बनेगी। तो इस तरह से आपने कॉन्फिगरेशन चेक किया, और कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे आपने पता लगाया कि कौन कौन यहाँ स्टेबल हैं। अब जो स्टेबल हैं सबसे पीछे उनकी गाड़ी का डब्बा सबसे पीछे लगा दो। अब हाफ फिल्ड और ऑक्टेट इनमें से सबसे पीछे कौन आएगा, ये मैंने ऊपर बताया ऑक्टेट आएगा, यानी सबसे कम कौन, नियॉन, नियॉन के बाद नाइट्रोजन, ये स्टेबल। और बाकी जो बचे उनको उनके ऑर्डर, यानी बाकी कौन बचा, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ भी पूछें, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, ये सभी ग्रुप आपके सिलेबस में हैं, तो वहां पर अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ये ऑर्डर आपके यहाँ पर बनने चाहिए। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपको यही देने वाला हूँ, और आप मुझे यहीं पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। मैं यहाँ एलिमेंट बदल देता हूँ, जबकि बाकी चीज ऐसे तो लिखी हुई है, तो जरा मुझे बताना क्या जवाब होगा। आपको दे रहा हूं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये मैंने पीरियड नंबर थर्ड दिया है, पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करो और मुझे बता दो क्या जवाब आता है। आपका जवाब यहां पर चेक करेंगे, कम ऑन, सिमिलर मेथड ट्राई करना। जो बताया है वही बातें फॉलो करना, अगर यही बातें फॉलो करोगे तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कौन कौन बच्चे करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं, सभी बताएंगे उम्मीद है। मधुर, थोड़ी सी गड़बड़ है, शुरुआत में गड़बड़ है, एक जगह गड़बड़ है। हार्दिक, सही जवाब है, हार्दिक का जवाब सही है। बेशक से हार्दिक और मधुर आपस में पूछ लें कि भाई कहां गलती है, किसकी कहां है, जवाब एक गलत है। हार्दिक का सही है, मधुर बेशक से चेक करें, और बच्चे ट्राई करो, देखो कहां बनेगा। पहले शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कौशल, सही जवाब, कौशल का जवाब करेक्ट, राइट, कौशल भी सही हो गया। देखो और देखो किसका क्या बनता है, बेटे
स्पीड बननी चाहिए। कौशल शाबाश बेटा, हाई प्रोटीन बेटा मेंटेन करना, लेकिन एक एक दिन छोड़ के, रोज ज्यादा प्रोटीन मत कर लेना, हाइपर प्रोटीनिया हो जाएगा। ठीक है प्रांजल, करेक्ट आंसर। प्रांजल का भी जवाब सही है। एटॉमिक साइज का ऑर्डर हम मेंशन कर देते हैं, क्योंकि वो तो सभी ने मेंशन कर लिया होगा। एक्सेप्शंस को साइड में रखना है, उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक साइज का ऑर्डर आदि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक जगह प्रॉब्लम है। जरा फुली फिल्ड हाफ फिल्ड ऑक्टेट को दोबारा से कब चेक कर लो, यानी जो लास्ट में जो तीन लिखे हैं उन्हें दोबारा से चेक कर लो, बाकी ठीक है। दिया जवाब बिल्कुल ठीक है बेटा, जवाब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। मधुर करेक्ट, अब मधुर का करेक्ट जवाब। आयुष आर्गन ऑक्टेट होता है, और जो ऑक्टेट होता है वो सबसे लोवेस्ट, आपके हिसाब से सबसे हाईएस्ट आ रहा है, साइन में गड़बड़ है। रचित सही जवाब है, रचित इज करेक्ट। और देखें बात बनाए, एटॉमिक साइंस का ऑर्डर मैंने बता दिया। हाँ रचित कर, चलो ठीक है। अब एटॉमिक साइज में एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। सिंपल सी बात है सोनाक्षी, कुछ एलिमेंट गायब है बेटा, आपने सिर्फ पांच एलिमेंट दिए हैं जबकि मैंने सात दिए हैं। कुछ एलिमेंट देखो, तेज हवा चल रही है, इधर उधर उड़ गए होंगे, जरा देखो दरवाजा बंद कर लो उधर से, अब बाहर तेज हवा है, हमारे यहाँ तो तेज हवा है, देखो जरा उड़ गए होंगे थोड़े बहुत आगे। अच्छा ये गड़बड़ है थोड़ा सोनाक्षी, आप देख लो मैंने जब सामने बता रखा है, यहां तक सही है आपका, और लास्ट पॉइंट भी मैं बताता हूं, यहां तक सही होना चाहिए। अब बच्चों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कौन फुली फिल्ड है कौन हाफ फिल्ड है ये चेक करना है, और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे तो मैग्नीशियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 कंप्लीटली फिल्ड, फास्फोरस आएगा कंप्लीटली हाफ फिल्ड, और आर्गन आएगा ऑक्टेट। इसी तरह चेक करो जो मैं बता रहा हूं, आर्गन आएगा ऑक्टेट, या आपके सामने मैंने मेथड में कोई बदलाव नहीं किया, कोई एक्सेप्शन नहीं लिया, लेकिन समस्या यही है कि उस बात को आप सही ढंग से कर पाए या नहीं कर पाए। नमन जो मैं बता रहा हूं उसको देखो, आपका जवाब तब सही होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टेबल में मैंने क्या बताया था, ऑक्टेट वाला सबसे पीछे, आर्गन सबसे पीछे, फिर फुली फिल्ड, गीतिका का जवाब सही है, और फिर हाफ फिल्ड, यानी आर्गन मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये सबसे पीछे आएंगे, ये सबसे पीछे आएंगे, और जो बच गया क्या बचा, एल्यूमिनियम सिलिकॉन सल्फर क्लोरीन, ये यहाँ पर आपके पास बनेंगे, और ये आपका जवाब यहाँ पर रहेगा। चाहे ऐसे लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना चाहो तो ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपके पास दोनों तरह के ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सामने है, दोनों को कंपेयर कर लो, बात बनेगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, गलती नहीं करना, पहले एटॉमिक साइज में अरेंज करना, क्योंकि ये मैं सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं कॉम्पिटेटिव तक के नजरिए को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं।
बस सीखना आपको थोड़ा आराम आराम से है, ध्यान से है। एक्सेप्शंस में लिख लो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लिख लेना। अच्छा जनरली पहले मैं ऑर्डर बता दू, इन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड है। और जहां तक पीरियड की बात है, ये पीरियड में इंक्रीज होती है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इंक्रीज इन पीरियड जनरली एक्सेप्शन, ग्रुप 18 की सबसे कम, ग्रुप 15 की कम, और इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 की कम, ये एक्सेप्शन होते हैं लेकिन जनरल ट्रेंड। आपको बोर्ड के लिए जो एक्सेप्शन याद रखना है, उस एक्सेप्शन को ऐसे याद रखो कि फ्लोरीन पोजेस लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से प्रैक्टिकली कम होती है, जनरली डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है, पहले फ्लोरीन आता है फिर क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन की वैल्यू और फ्लोरीन की वैल्यू में से फ्लोरीन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन ध्यान रख लो कि फ्लोरीन पजेस लोअर वैल्यू देन क्लोरीन। अब ऐसा क्यों है, इसको बताने के लिए यहां से जरा इस क्वेश्चन को नोट कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, क्लोरीन शो हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिखा आएगा या लिखा आएगा हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, आखिर क्यों है, ये जवाब आए। हार्दिक इतना भी मत सोचो बेटा, दिमाग का इस्तेमाल अगर ज्यादा करेंगे तो दिमाग घिस घिस के खत्म हो जाएगा, इतना भी मत जाओ, अभी पी ब्लॉक में है, कहां डी ऑर्बिटल तक पहुंच गए, कंट्रोल योर इमोशंस बेटा। तो क्लोरीन पजेस हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मैं समझाता भी हूं और इसको लिखवाता भी हूं कैसे। देखो एक्चुअल में फ्लोरीन बहुत छोटा, यहां तो मैंने फिर भी बड़ा दिखाया है, ये बहुत छोटा एटम होता है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल एटम, फ्लोरीन बहुत छोटा एटम होता है। और सपोज यहां पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, फ्लोरीन पे देखो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। सोच के देखो, एक छोटा सा बेंच, दो बच्चे बैठे हैं, तीसरा बच्चा आता है, अगर बेंच छोटा है, जगह कम है, तो जो बैठे हुए हैं वो आने वाले को रिपेल करेंगे, कहेंगे भाई जगह नहीं है, चला जा, जगह नहीं है। ऐसा ही कुछ फ्लोरीन के साथ होता है, फ्लोरीन बहुत छोटा है, जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है, इसे वैलेंस शेल से रिपल्शन मिलता है और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता। वहीं पर क्लोरीन, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और साइज बड़ा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। अब एक बड़ा बेंच, उस बड़े बेंच पे एक बच्चा इस कॉर्नर पे बैठा, एक इस कॉर्नर पे बैठा, तीसरा बच्चा आता है, स्पेस है, बड़ी आसानी से बीच में बैठ जाएगा, सेंटर में बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा इजीली वहां बैठ पाए। वही काम यहां होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, अब क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज्यादा है तो इनका रिपल्शन कम होता है और ये बड़ी आसानी से यहां पर ऐड होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब यहां से हो जाएगा, ये बनेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन पास पास है,
आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, आसानी से ऐड नहीं होने देते, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ये हमारा जवाब बनेगा। ये क्वेश्चन पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 17 चैप्टर पी ब्लॉक, मैंने कहा ना मैं आपको इस चैप्टर के दौरान ऑलरेडी पी ब्लॉक के क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूँ। कल मैंने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कोवेलेंट करेक्टर के क्वेश्चन करवाए, ये ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर पी ब्लॉक में है, तो अपने इस क्वेश्चन और आंसर का कलेक्शन तैयार करते जाना, आपके ये चैप्टर ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्स में, बोर्ड में यही क्वेश्चंस काम आएंगे। चैप्टर तो मैं वन शॉट वीडियो से तैयार करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके काम आएंगे, इनको ध्यान रखना। इसके अलावा रफ में लिख लो, लोएस्ट, रफ में नहीं, नोट, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ हीलियम, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीलियम की होती है और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑफ क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा है। तो अपने इस जवाब को यहाँ पर ऐड कर लो, इस जवाब को लिख लो जो मैंने बताया, ये बिल्कुल इसी तरह से आपको जवाब देने की जरूरत होगी। ऐसे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट पूरा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सीख लिया, एटॉमिक साइज सीख लिया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, फजांस रूल हो गया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो मेजर मेजर कंसेप्ट हैं ये हमारे फिनिश होते जा रहे हैं, और इसीलिए क्लास 11th में कई बार होता है ना, 12th में बच्चा आता है तो सोचता है कि जी 11th भी रिवाइज करनी है। अरे ये टॉपिक 11th और 12th दोनों में सेम है और मेजर टॉपिक है, इसको ध्यान से करो। अब आगे आगे चलो, मैं बता रहा हूं, आगे हेडिंग डाल दो रेगुलर ज्योमेट्री। अब इसका इस्तेमाल आगे आने वाले कई कंसेप्ट में होगा, रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री, लास्ट टाइम भी बताया था और आज भी सीख रहे हैं। रेगुलर ज्योमेट्री किसे कहते हैं और इरेगुलर किसे कहते हैं? सिर्फ रेगुलर सीखना, क्योंकि जो रेगुलर नहीं होगा वो इरेगुलर होगा। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, सिमिलर एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, सिमिलर एटम अटैच टू सेंट्रल एटम। अब ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जिनकी ये दो कंडीशन फॉलो होती हैं वो रेगुलर ज्योमेट्री होती है। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो और सेंट्रल एटम से सेम एटम अटैच हो। जैसे ये देखो, कार्बन ए ए, मैं ए ही लगाता हूं, अगेन ए, अगेन ए, अगेन ए। इस मॉलिक्यूल में देख सकते हो कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, उस पे लोन पेयर नहीं है और कार्बन से सभी एटम सेम अटैच हैं। तो अगर सभी एटम सेम अटैच हैं और लोन पेयर नहीं है तो इसे रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाएगा। ये रेगुलर ज्योमेट्री में शॉर्ट में आरजी लिख देता हूं, रेगुलर ज्योमेट्री रहे। अब जरा इसको देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये कंपाउंड है और एक हमारे पास ये कंपाउंड है, दोनों में बताना है कि ये फर्स्ट ये सेकेंड रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। पॉइंट सामने लिखा पड़ा है, अपने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री में इनको आपने क्लासिफाई करना है। कौशल सही जवाब है, कौन रेगुलर कौन इरेगुलर,
रचित सही है, मनस्वी सही है, इशिता सही है, बिल्कुल ठीक। सेंट्रल एटम पे निगाह हो, सराउंडिंग पे नहीं दिया ध्यान देना, सेंट्रल आयुष ठीक है, प्रांजल सही है, हार्दिक सही है, नमन सही है। गीतिका टू क्या लिखना चाहते हो? ओके ओके मनस्वी, बाद में मुझे याद दिला देना। अभिषेक सही है, मुकुल फर्स्ट में आपका जवाब सही है, गीतिका सेकंड का जवाब सही है। सोनाक्षी ये फर्स्ट का आंसर है या सेकंड का? सोनाक्षी ध्यान से बेटा पहला पॉइंट पढ़ो, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए, यहां सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अगर लोन पेयर आ गया तो आगे देखना ही नहीं, ये इरेगुलर ज्योमेट्री कहलाई जाएगी, ये इरेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि लोन पेयर है। अगले को देखो, पहले पहला पॉइंट नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, पहला पॉइंट एप्लीकेबल। दूसरा देखो, सेम एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से जो एटम अटैच है वो दोनों के दोनों सेम है, तो ये पूरी कंडीशन फॉलो करता है, इसे रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाएगा। तो पहला है, अभिषेक का जवाब ठीक है, पहला है इरेगुलर और दूसरा है रेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री, हमारा ये टॉपिक बॉन्ड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है और डायपोल मोमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है, रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री। नाउ गिव द हेडिंग डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब अभी जो आपने इंफॉर्मेशन एक्वायर की है, नॉलेज एक्वायर की है, उसका फटाफट इस्तेमाल कर लेते हैं और जल्दी से डायपोल मोमेंट जो आपके काम का है उसको जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट HCl, कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे चार्ज माइनस क्यू, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जाने देगा तो इस पे चार्ज प्लस क्यू। तो इस तरह से ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज दे देगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस को लेट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव साइन है वो अलग है, तो किसी भी चार्ज की वैल्यू एक्सेप्ट साइन, साइन मत लगाओ, किसी भी चार्ज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इसे डायपोल मोमेंट कहा जाता है। फार्मूले का कोई यूज नहीं करना आगे आपको, मैं तो जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। जहां तक यूनिट्स की बात है, डिबाई कैपिटल डी या डिबाई लिख सकते हो, ये इसकी यूनिट होती है, इस पॉइंट को याद रखना। अब जो पॉइंट बता रहा हूं वो नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नोट, मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट कह लो, बॉन्ड मोमेंट कह लो, ज्यादा होगा, ये ध्यान रखो। सोनाक्षी मैंने क्या कहा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्यू की वैल्यू पे ध्यान देना है, सिर्फ क्यू की वैल्यू पे। बेटा आपने डायरेक्शन पे अभी यहां ध्यान नहीं देना, वो 11th के टॉपिक में पढ़ाते हैं कि डायरेक्शन क्या ले क्या नहीं। अभी आप सिर्फ इतना जान लो बेटा,
जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे क्यू चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे भी क्यू चार्ज, और इस तरह से आप यहाँ पर इन वैल्यूज को लिख लोगे। और डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी, ये बात याद रख लो, और ये फार्मूला ना भी याद रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये बात याद रख लो, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर विल बी द डाइपोल मोमेंट, ये याद रखो। जरा बताओ HCl HBr किसका बॉन्ड मोमेंट या डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? HCl और HBr किसका बॉन्ड मोमेंट या डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ये आपसे पूछना है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सामने, कौशल का, रचित का, हार्दिक का, मधुर का, मनश्री का, बिल्कुल सही, दिया का सही जवाब, आयुष का सही जवाब। क्लोरीन और ब्रोमीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका बॉन्ड मोमेंट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं H2O और H2S किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो भी आप तुरंत से जवाब दे सकते हो, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो H2O का डाइपोल मोमेंट H2S से ज्यादा होगा। ये तुरंत के तुरंत हमारा जवाब बनेगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा पॉइंट था, फाइनल पॉइंट नहीं है, इनिशियल पॉइंट है कि भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां चार्ज ज्यादा होगा और वहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब ध्यान रखो, दिस इज द मेन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। पहले तो ये पॉइंट कि ओवरऑल डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। बताता हूं क्या मतलब, अभी मैं क्योंकि सिंपल पॉइंट बता रहा हूं, फिर मैं अपनी ट्रिक बता दूंगा और उससे ये आपका सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। पहले बेसिक बात समझ लो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जरा यहां पर ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे शो करते हैं, 11th में पढ़ा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, फिजिक्स में उल्टा हो जाता है, वो करंट के मूवमेंट में बताते हैं, तो हमारा फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री में हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा बॉन्ड देखो, कार्बन ऑक्सीजन। अब कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब यहां देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों डाइपोल मोमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, और जब ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहां पर जीरो बनेगा, तो रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल बॉन्ड मोमेंट ओवरऑल डाइपोल मोमेंट को डिसाइड करता है। जैसे CO2 में बताया कि एक बॉन्ड मोमेंट इधर एक इधर, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लूंगा और फिर आपको डायरेक्ट पॉइंट बता दूंगा। ये है PF3, ये एग्जांपल। यहां पर अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, यानी ये डायरेक्शन इस बॉन्ड मोमेंट की, ये डायरेक्शन इस बॉन्ड मोमेंट की, और ये डायरेक्शन इस बॉन्ड मोमेंट की, ऐसा होगा, ये बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन होंगी। अब जरा ये देखो, फिजिक्स में आपने वेक्टर पढ़े हैं, मैथ्स में भी, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और ये आप समझ सकते हो कि ये रिजल्टेंट इस बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल करेगा,
तो रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल द इफेक्ट। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, तो आप कहोगे कि इसका रिजल्टेंट यहां होगा, और जब इसका रिजल्टेंट यहां होगा तो ये इसको कैंसल आउट कर देगा, इसको खत्म कर देगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इनका रिजल्टेंट कहां होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनका रिजल्टेंट यहां होगा, और ये रिजल्टेंट एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे और डायपोल मोमेंट जीरो होगा, डायपोल मोमेंट यहां पे जीरो आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप फिजिक्स में बेहतरीन हैं तो आप इस रिजल्टेंट को हर मॉलिक्यूल में निकाल सकते हो और अपना जवाब बता सकते हो, नहीं तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हो। और ट्रिक ये कहती है, इन केस ऑफ, लिख लेना, इन केस ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री, इन केस ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर हैंस पजेस जीरो डायपोल मोमेंट। इस बात को याद कर लेना कि जो रेगुलर ज्योमेट्री होगी उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। रेगुलर ज्योमेट्री पजेस जीरो डायपोल मोमेंट, ये बात याद कर लेना, रेगुलर ज्योमेट्री पजेस जीरो डायपोल मोमेंट, ये बात याद कर लेना। और कोई पूछे क्यों, तो आपके पास जवाब है, बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये बात यहां पर बता देना, ये बात यहां पर बनेगी। अब आपके एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आएगा, विच आउट ऑफ SO2 एंड SO3 पजेस डायपोल मोमेंट। एक तो ये आएगा एक नंबर में, और एक आएगा वाई। पहले ये देख लो, SO2 और SO3 में से किसका डायपोल मोमेंट होगा। SO2 का स्ट्रक्चर ये होता है और SO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। आपको जवाब देना है किसका डायपोल मोमेंट होगा। अच्छा, जिसका डायपोल मोमेंट होता है ना, वो पोलर भी होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर, तो पोलर पूछे या डायपोल मोमेंट पूछे, बात एक ही है। तो इनमें से किसका डायपोल मोमेंट है, कौन पोलर है और क्यों, क्यों भी, ये भी जवाब दे दो। तो पूछे ना पूछे खुद से जवाब दे दो क्यों। तो आपके पास जवाब है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, ये इरेगुलर ज्योमेट्री है, और यहां पर रेगुलर ज्योमेट्री है, क्योंकि जो कंडीशन बताई थी सभी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। साक्षी ध्यान से, सभी कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, और रेगुलर ज्योमेट्री का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जीरो होता है। तो आप कहोगे SO3 पजेस जीरो डायपोल मोमेंट, SO3 पजेस जीरो डायपोल मोमेंट। कोई पूछे क्यों, तो ये जो ऊपर लिखा है ना, ये सारी चीज यहां पे कॉपी पेस्ट, बिल्कुल एज इट इज। बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, हैंस पजेस जीरो डायपोल मोमेंट। आपके इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर बन जाएगा, बस कॉपी पेस्ट किया आपने उस चीज को, और आपके इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर बन गया। ये क्वेश्चन का आंसर यहां पे बनेगा, SO2 इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि इरेगुलर ज्योमेट्री है और रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करता, और इसीलिए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ये जवाब देना। तो ये क्वेश्चन ग्रुप नंबर 16 से, SO3 डायपोल मोमेंट जीरो नॉन पोलर, SO2 डायपोल मोमेंट होगा पोलर होगा,
अब जरा मैं क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताना इनमें से किसका जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, ये आपने बताना है किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ये जरा प्रिडिक्ट करना जीरो किसका होगा। तो ये क्वेश्चन है, जीरो किस किसका है ये बता दो इस क्वेश्चन में, रेगुलर ज्योमेट्री पहचान दे। किस किस का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, तमाम जो रेगुलर है वो जीरो यानी नॉन पोलर। तो एक क्वेश्चन में नॉन पोलर ही पूछ सकता था, हार्दिक सही, कौशल सही, मधुर मधुर ये बताने जीरो किसका होगा बेटा। प्रांजल सेकंड लास्ट चेक करो, रचित नहीं, पूरा सही नहीं है, कुछ सही है। आयुष फर्स्ट पे भी ध्यान दो, फर्स्ट पे भी ध्यान दो, जल्दबाजी नहीं, फर्स्ट पे भी ध्यान दो, फिर बात बनेगी। मधुर सही है, दिशा सही है, पहला सही पैटर्न मेंटेन करोगे तो जवाब भी सही आएंगे, ध्यान रखो गड़बड़ नहीं करनी। मैं बताता हूं जवाब, अभी देखो ध्यान से, PF3 एक रेगुलर ज्योमेट्री है, ये रेगुलर ज्योमेट्री, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, सीख लो दिया जीरो। रेगुलर ज्योमेट्री की दिया दोनों कंडीशन याद रख लो, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो या देखो दोनों होनी चाहिए, कोई सी एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही ना तो वो इरेगुलर, कोई सी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वो इरेगुलर है, ध्यान रखो। NF3 इरेगुलर ज्योमेट्री डेफिनेट होगा, CH4 रेगुलर ज्योमेट्री ये आपका जीरो होगा, CCl4 रेगुलर ज्योमेट्री जीरो होगा, CHCl3 यहां देखो सेंट्रल एटम कार्बन, इससे हाइड्रोजन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, दो अलग अलग एलिमेंट अटैच है। रेगुलर ज्योमेट्री की कंडीशन है कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना हो और सेम एटम अटैच हो, यहां डिफरेंट एटम अटैच हैं, इरेगुलर ज्योमेट्री, डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होगा। CO2 मैंने अभी बताया था, OCS कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सल्फर अलग अलग एटम, जबकि कंडीशन क्या थी रेगुलर में, सेम एटम अटैच होने चाहिए, ये तो अलग अलग है, ये इरेगुलर ज्योमेट्री है और इसका डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होगा, ये पॉइंट याद रखना, डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारा ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, आना चाहिए बड़े अच्छे से आना चाहिए। अब जरा एक बार फटाफट ये क्वेश्चन हो गया, देखो ये ग्रुप 16 में आपकी वर्कशीट आपके नोट्स में दिया गया क्वेश्चन है, अभी आप कर चुके हो, क्वेश्चन लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन देखो, CO2 पजेस जीरो डाइपोल मोमेंट, SO2 पजेस डेफिनेट वाई, इनका स्ट्रक्चर बना के जवाब देना, CO2 SO2 जवाब सामने, ये रेगुलर ज्योमेट्री हैंस डाइपोल मोमेंट जीरो, और लिख भी दो resultant of individual bond moment cancel the effect of each other, irregular geometry dipole moment not zero, बस जवाब हो गया। तो हमारा ये question उस तरह से जवाब देना है। Now this is and this is, ये दो question जल्दी से लिख, हमारे पास एक और दे रहा हूं,
डैपल मोमेंट, अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा तो इन पांच में से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, एक्सप्लेन क्या करता हूं, पहले मैं सेकंड लास्ट का बताता हूं। पीएच थ्री एक इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, आखिर क्यों, ये आपसे पूछते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। पीएच थ्री का नाम फॉस्फीन है। डायपोल मोमेंट पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना होगा उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यहां इस क्वेश्चन में ध्यान रखो कि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो उस पर चार्ज डेवलप नहीं होता, और जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का जवाब लिख लो, मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। क्योंकि ये बातें वैसे याद नहीं होती, ये कोई बताएगा तभी मालूम पड़ेगा। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एंड हाइड्रोजन, इट्स डायपोल मोमेंट इज जीरो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बन गया, इसका जवाब। अच्छा, XeFO, इसका स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों। XeF4 का स्ट्रक्चर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। अब यहां क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री ऐसी है, दोनों फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लोन पेयर कैंसिल करेंगे। इसकी एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है जहां हर एक डायपोल मोमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और इस वजह से ओवरऑल डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। अपने आप में एक अलग ही चीज है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो लिख लो इसका आंसर। मैं बोलता हूं, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री ऑफ XeF4, रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट cancels the effect of each other. Resultant of individual bond moment cancels the effect of each other. Hence possess zero dipole moment. ये इसका जवाब बनेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब ये आ गया, बन गया। तो ये बात ध्यान रखो, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले समझ। यहां कहने का मतलब है कि NH3 का डायपोल मोमेंट हाई होता है, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, और NF3 का डायपोल मोमेंट लो होता है। आपको याद हो तो क्लास 11th में ये केमिकल बॉन्डिंग का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 12th में ग्रुप 15 का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दोनों क्लासेस में बनता है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है। तो जल्दी से ये स्ट्रक्चर बना दो, ये अमोनिया, थ्योरी में इसके अगले पेज पे लिखवाऊंगा, इस पेज पे जल्दी से स्ट्रक्चर बना लो। अब लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा बाहर, लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट हमेशा बाहर, ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लोन पेयर हमेशा बाहर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में अच्छे से समझ सकते हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, डायरेक्शन ये, सारे बॉन्ड मोमेंट एक ही तरफ जा रहे हैं, सारे कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि NF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे ऑपोजिट जा रहे हैं। तो अमोनिया में सभी बॉन्ड मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, NF3 में अलग अलग जा रहे हैं तो उसका डायपोल मोमेंट कम है।
बस जवाब बताओ। आपको मैं यहां ये थ्योरी दे देता हूं, इसका जवाब यहां से लिख लो, जो सामने गिवन है ये लिख लो। इस तरह से बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक। आज आपने रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री, डाइपोल मोमेंट और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सारी प्रॉब्लम्स को समझा। पॉलीमर्स का टेस्ट कब बोला है मैंने, वेंसडे को बोला है ना आपने, पॉलीमर्स के टेस्ट की तैयारी करना, और टेस्ट आपका रहेगा उसी तरह से तो वो तैयारी करना। थर्सडे बोला है मुझे याद है, थर्सडे बोला है, मैं देखना चाह रहा था कि हलचल कहाँ कहाँ होती है। तो थर्सडे का आपका वो टेस्ट रहेगा, उसको ध्यान रखना, ठीक है। ये हम इसी में जीआईसी को इसी हफ्ते सॉल्व करेंगे, और मंडे से मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो जाएं मंडे से, क्योंकि नोटिस हमारे पास आ गया था कि अभी अगले आदेश तक कोचिंग बंद रहेंगी। इस वजह से मैंने इस हफ्ते में शुरू नहीं किया। नोटिस में व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूंगा कहोगे तो, क्योंकि रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस रहता है, तो इसीलिए हमने उसको रखा। 21 तारीख को लॉकडाउन का इन्होंने जो एक्सटेंड किया है वो खत्म होता है, और मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। तो मंडे को कोशिश करेंगे कि आपकी ऑफलाइन बैच यानी पी ब्लॉक चैप्टर, हमारी कोशिश होगी कि हम ऑफलाइन में ही शुरू, पी ब्लॉक शुरू तो हो चुका है जिसका ये जीआईसी पोर्शन है, उसको उसमें शुरू करें। विल ट्राई, मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी आप बच्चों को अपने सामने देखो, सामने, ठीक है बेटा, मिलेंगे कल, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट बच्चों।